वेलकम बैक फियर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपको पता है हमारा डेंटल केयर का सेगमेंट है और हमारे पास एक डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं जिनसे हम बातें करेंगे आपकी डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के डिपार्टमेंट में ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर अब्दुल हकीम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वस्सलाम, थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। जी, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या करें, डॉक्टर साहब से ही पोल का सवाल पूछते हैं पहले। जी बिल्कुल। ऐसा पूछूं? जी बिल्कुल। थोड़ा सा फनी है, टोटली नॉन मेडिकल नॉन डेंटल, पूछ लूं? ट्राई टू आंसर यू। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि ज्यादा सिंसेयर कौन होता है, मर्द हजरात या खवातीन? वेरी करता है, दोनों जेंडर्स में सिंसियरिटी होती है, दिस डजंट मीन, मेरे ख्याल में इक्वली है और हर बंदे के नेचर पे डिपेंड करता है। You can't say that any gender is more prominent in that regard. हर जेंडर में सिंसियरिटी है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी लकी इन एवरी सेंस, आई हैव गॉट वेरी सिंसियर पीपल। तो बेसिकली ये होता है कि व्हाट इज योर थिंकिंग, हाउ डू यू थिंक फॉर द अदर्स। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो डेफिनेटली यू ऑल्सो गेट द गुड इन द रिस्पॉन्स। तो ये होता है। अच्छा जी, और आपके जो अराउंड में अच्छे लोग हैं क्या वो भी सोचते हैं कि आप अच्छे हैं? ये भी पूछना ज़रूरी है जी। किसी ने कहा कि शो मी योर फ्रेंड, आई विल टेल यू विच काइंड ऑफ मैन यू आर। तो अगर आप अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपकी सराउंडिंग में भी अच्छे लोग होते हैं। और अगर कोई ऐसे नहीं है तो अल्टीमेटली फ़र्क तो पड़ता है उनकी थिंकिंग पे भी। तो इस सच मेरे ख्याल में कि डिपेंड्स ऑन योर ओन थिंकिंग एंड ओन सिंसेरिटी, कि आप कितने सिंसेयर हैं दूसरों से। डॉक्टर, सिंसेयर ना होने की क्या वजूहत आप सोचते हैं हो सकती है? थोड़े से तो फंसाऊ मैं इसमें। सिंसेयर ना होने की सेल्फ इंटरेस्ट या वेस्टेड इंटरेस्ट अगर आपके कुछ हैं तो मे बी के आप इतने सिंसेयरली काम ना करें या सिंसेयर ना हो किसी से, दैट इज योर वेस्टेड इंटरेस्ट। ओके जी, आप थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं जी डेंटल केयर पे। जी डॉक्टर साहब, सिंस आप ऑपरेटिव डिपार्टमेंट होते हैं तो ऑपरेटिव डिपार्टमेंट एंड रिस्टोरेटिव जी साथ साथ, ठीक है? तो इसमें क्या ड्यूटीज आती हैं एक डॉक्टर की जो ऑपरेटिव में होता है? जी, ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में मोस्टली मैं कहूँगा कि जो 80% आपके डेंटल प्रोसीजर्स हैं वो आपके रेस्टोरेटिव या ऑपरेटिव में आते हैं। लाइक आपकी फिलिंग्स हैं, आपकी जो रूट केनाल्स हैं, क्राउन है, ब्रिज है, ब्लीचिंग्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, एवरीथिंग विच कम्स इन अ रेस्टोरेटिव पार्ट। मतलब आप किसी चीज़ को रेस्टोर कर रहे हैं तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री और ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री। सही। सो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द डेंटल प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री। Definitely. जी डॉक्टर साहब, फिशर सीलेंट्स किस चीज़ में आते हैं और है क्या चीज़? जी, फिशर सीलेंट्स एक्चुअली रेजिंस हैं जो हम लोग मोस्टली बच्चों में या जो हाई केरीज पेशेंट्स होते हैं, जो रिस्क पे होते हैं, जिनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं केरीज होने के, तो उसमें एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के तौर पे होता है जिसमें जो डीप फिशर्स हैं या लीनियर जो ग्रूव्स होते हैं टीथ पे या पॉइंटेड जो डिप्रेशंस होते हैं, पिट्स हैं और फिशर्स हैं जो लीनियर ग्रूव्स हैं या पॉइंटेड डिप्रेशन। ये वाली बात जो आप अभी कर रहे हैं ये तो हर एक को समझ नहीं आएगी। जी एग्जैक्टली, इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि दांत के अंदर जो डिप्रेशन है, डीप डिप्रेशन है, या जैसे आप दांत की जो ऊपर की सतह पे जी बिल्कुल, तो उनमें अक्सर करके फूड स्टैग्नेशन या प्लाक रिटेंशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो डीप ग्रूव्स हैं या डीप जो डिप्रेशन है जो क्लीन नहीं हो सकते ब्रश से, तो उसमें कैरीज होने का या दांत के कीड़े लगने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उनको एक जो फ्लोबल रेजिन्स हैं उस तरह से पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स आते हैं जिसको हम उसमें डाल के और सील कर देते हैं, कि उससे दो चीज़ें होती है, एक तो जो आपके डिप्रेशन से वो सील हो जाते हैं और प्लस में वो उस पोजीशन में हो जाते हैं कि आप उनको ईजिली क्लीन कर सकें वाइल ब्रशिंग। तो इस तरह से पिट्स एंड फिशर, और ये मोस्टली बच्चों में ज़्यादातर इसलिए किया जाता है कि बच्चे ज़्यादा आपके जो चॉकलेट्स हैं या इस तरह की चीज़ें लेते हैं और ओरल हाइजीन इतना मेंटेन नहीं कर पाते, उन लोगों में ज़्यादा होता है। या कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो हाई कैरीज रिस्क पे आते हैं जिनमें कैरीज होने के रिस्क ज़्यादा हैं, या जिनकी डाइट ऐसी है या कुछ टीथ अलाइनमेंट ऐसी है जिनमें के कैरीज होने के चांसेस या दांत के कीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उनमें भी हम एडवाइस करते हैं कि उनको सील कर देते हैं।
वो किसी भी एज में हो सकता है जी, किसी भी एज में, लेकिन मोस्टली यंग एज में ज्यादा होता है तो इस तरह से, क्योंकि अगर आपको 40-50 तक नहीं कीड़ा लगा तो यू आर एनीवे नॉट प्रोन, तो फिर यू नीड टू रिलैक्स। और सर, फिशर सीलेंट लगाने की राइट एज क्या होती है और कौन कौन से दांतों पे लगता है? देखिए, एनी टूथ, आप जब भी, अगर मैंने आपको यही अर्ज किया कि जिस पेशेंट में ज़्यादा रिस्क है कैरीज का, और अर्ली एज में कोई भी टूथ हो आप उसको सील कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम परमानेंट टीथ में करते हैं। जैसे बच्चों को 6 साल में फर्स्ट मोलर्स आ जाते हैं, तो फर्स्ट मोलर्स टीथ ऐसे होते हैं कि जो 6 ईयर्स की एज में आते हैं, ठीक है, और दे आर मोर प्रोन टू 8 कर ले, 6 to 8 कह सकते हैं जी, एग्जैक्टली, लेकिन मोस्टली 6 ईयर जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल 6 से 8 साल भी आप कह सकते हैं। तो उसमें जब टीथ आते हैं तो उस वक्त बच्चे की हैबिट्स ऑलमोस्ट वही होती हैं कि ज़्यादा चॉकलेट्स लेना या इस तरह की कैंडीज वगैरह यूज़ करना या इस तरह की जो इनटेक है, तो उसमें कीड़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें फिर आप ज़्यादातर ये होता है कि उनको सील कर दिया करें, पिट्स एंड फिशर सीलेंट से सील कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, 2-3 सवाल जो मुझे बहुत सुनने को मिलते हैं हमेशा, वो ये, 1 साल का हो रहा है, दांत नहीं आ रहे मुंह में, क्यों डॉक्टर साहब, और क्या करना चाहिए? देखिए, ये वेरी करता है, काफ़ी बच्चों में 1 साल में आते हैं, कुछ में 12 महीने, 14 महीने, 2 साल तक भी होता है, इट डिपेंड्स। 2 साल पहला दांत जी आता है, बिल्कुल, कुछ लेट तक भी आता है जी, बिल्कुल 18 महीने तक, 2 साल तक भी आते हैं, कुछ लोगों में डिले होता है, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। कोई डाइट ऐसी है, कोई चीज़ ऐसी है, कोई लोग कैल्शियम सप्लीमेंट बच्चे को पिलाना शुरू कर देते हैं जब उसके दांत आ रहे होते हैं, तो इज़ दैट द राइट अप्रोच टू? ऐसे कोई इतना इफेक्ट नहीं आता है, अगर बच्चा हेल्दी है और मतलब जो दूसरे पैरामीटर्स उनके ठीक हैं, फिजिकल ग्रोथ ठीक है, तो ऐसे कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जो हेल्दी डाइट है दैट शुड बी कंटिन्यूड। अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, आपने भी सुना होगा कि वो कैल्शियम सप्लीमेंट का जो सिरप आता है, वी कांट टेक द नेम ना, तो वो लोग बहुत पिलाते हैं बच्चों को जब उनके दांत निकल रहे होते हैं या दर्द हो रहा होता है उनको, टीथिंग सिंड्रोम्स हो रहे होते हैं। नहीं, दर्द में तो ऐसा कोई इतना इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ग्रोइंग एज में अगर डेफिशिएंसी है कैल्शियम की, विद द कंसेंट ऑफ द पीडियाट्रिशियन, अगर आप फील करते हैं जनरल ग्रोथ में भी डेफिशिएंसी हो रही है या इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, तो देन यू कैन थिंक ऑफ दैट। लेकिन नॉर्मल, अगर बच्चा इफ ग्रोइंग नॉर्मली और उसके सारी ग्रोथ ठीक चल रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा ही कॉमन सवाल, बच्चे की ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोना धोना तब होता है उसके दांत निकल रहे होते हैं, उस वक्त क्या करना चाहिए? देखें, उमूमन थोड़ी सी इरिटेशन होती है बच्चों को, बच्चा हर चीज़ मुंह में डाल रहा होता है। हाँ, हर चीज़ मुंह में डाल रहा होता है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। दूसरा ये है कि हाथ बांध दे तो बच्चे के नहीं बांध सकते, थोड़ी सी इरिटेशन होती हैं बच्चों को इस एज में जब दांत आते हैं, तो उसमें कुछ मेडिसिन आती हैं जो हम सजेस्ट करते हैं थोड़ा इरिटेशन को जनरली कम करने के लिए। बेसिकली वो भी लोकल एनेस्थेटिक टाइप ही होते हैं जो हम यूज़ करवाते हैं बच्चों को, लेकिन कुछ दिनों तक होता है, ऐसा ऐसा वो खुद ब खुद ओवरकम हो जाता है, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम रहता है या कोई इसमें परेशानी की बात है। अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, उस पर्टिकुलर वर्क में क्या करना चाहिए? टीदर्स जो आते हैं जिस तरह के, वो रबर के बने हुए, वो देने चाहिए नहीं देने चाहिए? बच्चे मुंह में अपनी उंगलियां डाल के बैठे होते हैं सारा वर्क, वो सही अप्रोच है नहीं है? नहीं, देखिए, कोई भी चीज़, ऑयल लगाते हैं बच्चों के गम में लगा लगा के मसाज कर रहे होते हैं, वो भी क्या सही अप्रोच नहीं? देखिए, मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर मेडिसिन हैं जो आप यूज़ करवा सकते हैं। किस तरह की मेडिसिन है डॉक्टर साहब? मैंने आपको बताया कि बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, आई डोंट लाइक टू टेक द नेम ऑफ एनी ब्रांड। हाँ जी, बिल्कुल।